हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पाइए नए नए वीडियोस। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नए वीडियोस को लाइए। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हाउ टू राइट अ थियरी पेपर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। जैसे कि हमको पता है, हर साल 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, और बहुत सारे कॉलेजेस के गाइडेंस सेंटर्स के प्रीलिम्स चालू होने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो समझना चाहते हैं कि हाउ टू राइट अ थियरी पेपर। पर्टिकुलरली सब बच्चे ये समझ जाते हैं और उनको आइडिया भी होती है कि अकाउंट्स का पेपर हम कैसे लिखें, बीके का पेपर हम कैसे लिखें, लेकिन थियरी का पेपर लिखने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब तक हमने क्वेश्चन पेपर रीड नहीं किया हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि हमको पता है अ प्रॉब्लम इटसेल्फ इज अ हाफ सॉल्यूशन। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल है, अगर हम बीमार हो जाते हैं बट नेचुरल है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले हमारी बीमारी का मेन रीजन फाइंड आउट करना है। जब तक वो रीजन फाइंड आउट नहीं करता है वो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं देता। सेम वे जब तक हम क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे नहीं हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको लिखना कैसे है। हर आंसर के चार पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट को मीनिंग और इंट्रोडक्शन दोनों लिखना है, चार से पांच लाइन तक, जो भी बेसिक आइडिया हो। जैसे कि अगर पूछा जाए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में तो आप थोड़ी बहुत ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। देन दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन। कम से कम एक डेफिनेशन बहुत जरूरी है, अगर डेफिनेशन है तो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन आता है, सी वर्डिंग मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट अलग कंसेप्ट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग कंसेप्ट है, ये बहुत ध्यान रखिए बात को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडविन फिल्पो के वर्ड्स में है, Human resource management is a process of planning, organizing, directing, controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of the human resource to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. आपने देखा एक एक word proper है, तो student को wordings का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। Then third main point है ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड। तो आपके पास चॉइसेस हैं ऐसे डायग्राम्स बनाने की। आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम इससे और अच्छा डायग्राम बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए।
डायग्राम बनाने से आपका प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होगा और एवेल्युएटर समझ जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट बोलना चाहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम कैसा भी हो बट लीजिबल हैंडराइटिंग में, और इतना अच्छी तरह से होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो। देन लास्ट पॉइंट है कंक्लूशन। स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन ये दर्शाता है कि आपने अभी तक क्या सीखा है। भाई जब हम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे तो अंत में यही टीचर हमको बोलती थी कि कंक्लूजन लिखो, तो बट नेचुरल है यहां पे भी कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप समझ लीजिए कि हमको चार पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करना है। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अगर शॉर्ट नोट आए तो क्या इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मेट अपनाएंगे? अगर अपनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो एक शॉर्ट नोट है, मार्क्स बहुत कम है, 5 मार्क है, तो आप उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन मेरा यही मानना है कि हर क्वेश्चन को इन चार पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, एवेल्युएटर समझ जाएगा। तो थ्योरी पेपर लिखने का मूल मंत्र यही है, याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन पेपर रीड करना और उसके बाद इन बातों को ध्यान में रखना। और अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए लिखने का, जैसे आपका स्पीड राइटिंग बहुत बढ़ता जाए और जैसे आप प्रीलिम्स में फाइनल्स में बहुत अच्छी तरह से लिख पाए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।